हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल खत्री जे किंग। ये लगातार इसके पीछे है गाइस, ये 1 वीक में अंडे दे देंगे। ये देखिए गाइस, ये इनका नेस्टिंग पूरा कर चुके हैं। देखिए कितना बड़ा नेस्टिंग बना है कि ये 2-3 दिन में अंडे दे देंगे गाइस। देखिए हमारे सारे खत्तर में दाने डाल दिया हूँ, खा के वहाँ पर चला गए गाइस, बहुत मस्ती करते हैं अभी तो। गाइस आज का टॉपिक है कि किस तरह के कबूतर को हमें रेस्ट देना है। यहाँ पर ये देखिए गाइस, ये बच्चे 20 दिन के भी नहीं हुए हैं गाइस, मिनिमम से मिनिमम 18 दिन के बच्चे हैं गाइस ये तो। लेकिन ये दोबारा एक अंडा दे चुकी है, देखिए गाइस। ये कभी भी ऐसा नहीं देती है गाइस, उसका वाला मेल वो है, कभी भी ऐसा नहीं करती है ये कभी भी। इसके बच्चे 25 दिन से भी 30 दिन के बच्चे होने के बाद ही अंडे देती है गाइस। ये पहली बार, ये ओवरऑल एक ईयर से मेरे पास ब्रीडिंग करती रही ये पेर, अभी तक मिनिमम से मिनिमम 30 डेज के बच्चे होने के बाद में ही दूसरे बार अंडे देती है गाइस। ये पहला बार है, ये इसके 20 दिन के बच्चे तो ही अंडे दे चुकी है दोबारा। ऐसा ही सादे खप्तर में ज़्यादा देख सकते हो गाइस, इतने साइज़ के बच्चे होंगे और दूसरा साइड अंडे दे देंगे गाइस। ऐसा फैंसी खप्तर में नहीं होता है, फैंसी खप्तर में लेट सी होता है गाइस, उसी वो उनका प्रॉपर कैल्शियम वगैरह देने से ही होता है गाइस। ये सादे खप्तर में ऐसा दिखता है, और थोड़े बहुत खप्तर है गाइस मेरे पास वो 30 दिन के बच्चे होने के बाद अंडे देते हैं। वैसा है तो हमें उनको रेस्ट देने का ज़रूरत भी नहीं आता है गाइस, थोड़े बहुत होते हैं वो बच्चे, बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं और दूसरा साइड अंडे फिर से दे देते हैं। ऐसा लगातार ऐसा देने से वो थोड़े बहुत वीक हो सकते हैं गाइस, उस तरह के पैर को हमें थोड़ा बहुत रेस्ट देना है, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है गाइस। ये सादे कप्तूर में तो ऐसा ही चलता रहता है, फैंसी कप्तूर में तो वो सिराजी और फैंटेल में ये कूफा ज़्यादा गैप नहीं लेते हैं गाइस, वो भी सादे खप्तर से थोड़ा बहुत ज़्यादा लेते हैं, वो भी लगातार ब्रीडिंग करते रहते हैं गाइस। और पाउटर अभी वो हंगेरियन वो वगैरह वो पूरे रहते हैं ना, उनको रेस्ट कंफर्म देना है गाइस हमें, उनको नेक्स्ट टेस्ट नहीं दिए तो उनका परफेक्ट मार्किंग में नहीं आते हैं गाइस, उनका मार्किंग और उनका क्वांटिटी और क्वालिटी पूरा भी कम जाएगा गाइस, इसलिए उनको रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। ये सादे खप्तर में तो हमें ऐसा ब्रीड आसानी से ला सकते हो। देखिए गाइस, ये लड्डू वाला बच्चा ये रहा हमारे पर लहने वाला है, और इनके सारे खप्तर ये है, और ये इसके पीछे में दो है गाइस, इसके सारे एक 5 पैर हमारे प्लेस में से चला जाएंगे। इसे अभी भी थोड़ा बहुत वो पैर पहन है गाइस, लेकिन ये ब्रीडिंग में आ चुका है, देखेंगे अंडे दे देंगी। ये नेस्टिंग बना चुका है गाइस, उसका मेल तो बहुत ही हेवी में बनाता है नेस्टिंग, वहाँ पर के लकड़ियाँ में ही नीचे डाल देता हूँ, वो ले आके वो नेस्ट बना लेते हैं। हमारा टाके वाला कबूतर बहुत ही एक्टिव हो चुका है गाइस, अभी तो हाथ में भी नहीं आता है, इसको भी हमें देने वाले है गाइस। इसको फीमेल लाना है तो इसे फीमेल ला के इसे पेड़ बनाना है, नहीं तो इसे भी सेल आउट करना है गाइस। अभी तो बहुत ठीक हो चुका है, यहाँ से उनका प्लेस वो मस्जिद के पास चला जाएगा गाइस आसानी से, ये इसलिए मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वहाँ जाने के बाद ही उनको प्रॉपर से नहीं मिलता है कुछ भी, इसलिए मैं इनका ध्यान रखने वालों को ही ये देने वाला हूँ गाइस। इसलिए इसका तो इसका पूरे तरह से उसका अटैच हो चुका है, उसका दो स्किन भी, अभी इसे कोई भी नहीं बोल सकता है गाइस ये जख्मी वाला कबूतर है, ऐसा उतना ठीक हो गया गाइस ये तो। ये पैर देखिए गाइस, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे रहते हैं ये पैर तो, मेरे बहुत ही फ्रेंडली है गाइस, मेरे हाथ में आ जाते हैं कभी कभी, अभी तो ये ब्रीडिंग में है ना। देखिए गाइस, मैं उनको हलाने से इसमें चल जाते हैं, ये देखिए अब कितना परेशान, देखिए ये फीमेल है गाइस, लेकिन मेल तरह इसका एग्रेसिव रहता है। ये देखिए मेल जाके चुपचाप पीछे पीछे बैठ गया है, ये माने ऐसा ही करता रहता है गाइस। यहाँ पर देखिए ये भी बहुत अच्छा मस्ती करता है गाइस, ये बहुत ही हल्के लाइट वेटेड वो पंजाबी कबूतर है गाइस ये तो। इसमें से इनके
ये दो भी एक ब्लैक एंड वाइट है ना, इनके बच्चे कभी भी दूसरा रंग में नहीं आएगा। इस दो भी माशाल्लाह वाइट खपतरी ही निकलती है। थैंक यू सो मच गाइस, ये वीडियो आपको इंटरेस्ट लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए गाइस। थैंक यू।